Good evening, guys. Bhaskar, Amit, and guys, I'm just waiting for the host to join. Good evening, sir. कल का क्लास में कोई दिक्कत है तो पूछ लेना अभी तो. Good evening, sir. Good evening, guys. Yeah, please mute yourself. I'm still waiting for the host. So, बीच में अगर कुछ आपको डाउट है तो कल का क्लास में पूछ सकते हैं. इंजील और अंशरा कल जो भी अटेंड किया क्लास को. मेरा भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो तो क्योंकि मैं बाहर बैठा हूँ.
let's manage for today. If you have any doubt, I think just now. Okay, then let us get started. So yesterday we were discussing about the equivalent circuit of transformers. So if you draw the circuit, so if you refer everything to the primary of this transformer, so this will be the scenario, and keeping the only series element, shunt elements ko neglect kar diya, you can refer the our notes, kal ka notes refer kar sakte. प्राइमरी वोल्टेज वी वन, सेकेंडरी वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज वी टू डैश हो गया, ठीक है. इधर क्या है, आर वन प्लस आर टू डैश है, इधर एक्स वन प्लस एक्स टू डैश है, ठीक है. तो ये क्या होगा, दिस इज आर जीरो वन एक्स जीरो वन, दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज इक्विवेलेंट सर्क्यूट रेफर टू प्राइमरी, दिस इज इक्विवेलेंट सर्क्यूट रेफर टू प्राइमरी. लेकिन मैंने रेगुलेशन के बारे में बात किया, रेगुलेशन इज ऑलवेज ऑन द लोड साइड, मतलब आपने लोड को कनेक्ट कर दिया सेकेंडरी साइड में, सेकेंडरी साइड में टर्मिनल वोल्टेज कितना होना चाहिए. अगर मान लो इनपुट मान लो 100 वोल्ट्स दिया तो टर्मिनल वोल्टेज कितना आएगा, हाउ मच डू यू गेट द आउटपुट वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू इनपुट वोल्टेज. तो इसलिए करना क्या, एवरीथिंग आई हैव टू रेफर टू द सेकेंडरी. सो यू गॉट द कॉन्टेक्स्ट राइट. सो व्हेन आई रेफर टू द सेकेंडरी, let me show the transformer. This is what I was saying, ye wala transformer hai na, so v1 idhar v2 idhar, ye dono magnetically connected hai, electrically connection nahi hai. To hum kya kiya, ye sab kuch secondary ko bhi primary mein refer kar diya, to humko kali equivalent circuit aa gaya. Idhar bhi load hoga, iska beech mein load hoga. Main abhi kya kar raha hu, equivalent circuit refer to the secondary. If you draw that, what will happen, idhar v1 hai na, V1 इस तरफ V1 डैश आएगा, ये वाला V2 ऐसा ही होगा. तो कैसे लिख सकते, लेट अस सी हियर नाउ, दिस इज V2 इज सेम, नो प्रॉब्लम. इधर है ना R2 X2 होगा, ठीक है. तो इधर R1 होगा ना, R1 को इस तरफ रेफर कर रहा हूँ, सो R2 प्लस R1 डैश X2 प्लस X1 डैश. यू गॉट द कॉन्टेक्स्ट व्हाट आई एम सेइंग. V1 को आप इस तरफ लेके आओ, तो दिस इज V1 डैश, एंड द करंट, इधर करंट क्या है, I1 है, इधर का करंट I2 है. तो जब आपने करंट, प्राइमरी करंट सेकेंडरी को रेफर कर दिया, तो I1 डैश होगा विच इज इक्वल टू I2. सो यू गॉट द कॉन्टेक्स्ट हियर नाउ. सो दिस इज इक्विवेलेंट सर्क्यूट referring to secondary. So I'll take this one and then I'll write the regulation, voltage regulation. So because this is important for us, so how can I write, V1 dash is the input voltage, this is the secondary terminal voltage, so I can write this VR is magnitude, V2 magnitude upon V1 dash. So current I2 hai na, so how do you write the KVL here? मान लो आपने KVL लिख रहा है इधर, don't think this is open, load connect है इधर, so don't think it's open, इधर load है, इसलिए current जा रहा है, इसमें current जा रहा है, I2 का current जा रहा है, क्योंकि इधर load है. मान लो load का I don't know what kind of load here, no, some ZL or whatever it is there. I'll come back to that. If cos phi 2 is the power factor of load, hai na, the load ho sakta hai, RL load ho sakta hai,
आर सी लोड भी हो सकता है, आर एल सी कॉम्बिनेशन हो सकता है, खाली आर लोड हो सकता है, कॉम्बिनेशन। तो इसलिए मैंने पावर फैक्टर मान लिया कि cos phi 2 इज अ पावर फैक्टर ऑफ दिस लोड, राइट। सो देन लेट मी राइट द केवीएल। केवीएल लिख दिया तो V2, योर V1 डैश फेजर सम, ऑल आवर फेजर्स, V2 फेजर प्लस ये दोनों का वोल्टेज है केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, I2 बार R2, ये क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दिस, व्हाट इज R2 प्लस R1 डैश? ये वाला R1 प्लस R2 डैश इज R01, X1 प्लस X2 इज X01, so what this will be R2 plus R1 dash, what is this value here called? ये वाला क्या है? R02, this is क्या है? Notation है बस, X02, so R02 plus JX02. Let me draw the phasor diagram for this, very important one ये वाला. So if you draw the phasor diagram, क्योंकि ये वाला equation है ना, इसको phasor diagram draw कर. सिंपल है, तो वोल्टेज इज वी टू फेजर, ऑलवेज यू शुड स्टार्ट विद दिस वन, शायद आपने नेटवर्क में सीख लिया होगा, वही यूज कर रहा हूं मैंने, वी टू। आई टू मैंने बता दिया आर एल लोड, मान लो आपने आर एल लोड लिया तो करंट लैगिंग है, इंडक्टर लोड हुआ तो करंट लैगिंग है कंपेयर टू दिस लोड, इस लोड में कंपेयर विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज। सो करंट कहाँ होगा? दिस इज द करंट, then I2 R02, where is I2 R02? I into R is in phase with the I, तो इसको in phase में होना चाहिए, of course this is power factor phi 2, power factor of the load, so voltage plus I2 R2, ये वाला magnitude कैसे होना चाहिए? This is the magnitude I2 R02, लेकिन I2 R02 should be parallel with I2, ये दोनों parallel है, plus J I2 X02, plus J का मतलब क्या होता है? 90 degree leading है, when I say X plus J Y, इसका मतलब Y axis is leading the X axis by 90 degree, तो इधर मैंने perpendicular draw करना पड़ेगा, perpendicular to this one, this is 90 degree, J I2 X02, ठीक है? तो अभी कंप्लीट हो गया वाला, अभी जॉइन करो इसका, दिस इज व्हाट V1 डैश। तो अभी हमको क्या चाहिए यार, इधर V1 डैश मैग्नीट्यूड माइनस V2 डैश मैग्नीट्यूड, मतलब ये ब्लू लाइन लेंथ है ना, ये ब्लू लाइन लेंथ पर कितना लेंथ है, कितना मैग्नीट्यूड है, उससे V2 का मैग्नीट्यूड सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, that is what we want to do. So this, for this, to do this one, there is a small derivation which I am not doing, simple derivation in fact, so but I'll directly give you the values here. Now the values are, this is the magnitude I am saying, looking at this one, minus V2 dash, V2, either no difference kitna hoga, I am writing here now, that is I2 R02 cos phi 2 plus or minus I2 X02 sin phi 2. Sorry, yeah, this is sin phi 2. Plus kya hai that? Plus is for if you have a kind of lag load, matlab RL load hai. Minus is for lead load. So let me write it here now. So V1 dash, ye difference humko pata hai, toh abhi likh raha hu idhar. So likh diya to I2, very important for examination. This is important, please. Please try to understand. I2 R02 cos phi 2 plus R minus I2 X02 sin phi 2. Avala upar wala hai. Niche idhar likha hai. This is V1 dash. This is V1 dash. So your VR will be voltage regulation. VR is IR by V1 dash. So this can be written as per unit resistance. Please don't get confused here now. Ye wala jo bhi likh raha hu, this is called as per unit resistance. We call as a
आर पर यूनिट एंड कॉस फाइव टू प्लस आर माइनस दिस वन इज कॉल्ड पर यूनिट में यूनिट्स क्या होता है पर यूनिट में व्हेन आई से दैट आर पर यूनिट एक्स पर यूनिट यूनिट में पर यूनिट का वैल्यू क्या होता है एक्चुअल वैल्यू बाय बेस वैल्यू तो पर यूनिट में यूनिट्स नहीं होगा समझ गए ना बात तो ये आई एक्स पर वी इज कॉल्ड एक्स पर यूनिट if you want i can take separately that per unit one but for now you please understand so per unit means voltage by voltage voltage drop by voltage so that's x per unit here now it is no units so sin phi 2 so then this is vr voltage regulation can be written as r per unit cos phi plus r minus x per unit sin phi is the value here now and if we say this percentage vr अगर मान लो परसेंटेज वी आर लिखना चाहिए इसको तो हाउ कैन आई राइट द परसेंटेज वी आर लेट मी इरेज दिस पोर्शन आई होप यू हैव कॉपीड इक्विवेलेंट सर्कल आई विल राइट हियर आई एम जस्ट राइटिंग दिस परसेंटेज वी आर सो 100 से मल्टीप्लाई करना नथिंग एल्स परसेंटेज मींस यू गेट समथिंग लाइक 2.2 पर यूनिट परसेंटेज में कितना है 0.2 इनटू 100 व्हिच इज 20 देयर सो परसेंटेज वेयर कितना आएगा दिस इज परसेंटेज आर cos phi 2 प्लस आर माइनस परसेंटेज एक्स sin phi 2 दिस इज द फार्मूला फॉर योर वोल्टेज रेगुलेशन देयर आर n नंबर ऑफ गेट क्वेश्चंस ऑन दिस वन बहुत सारे गेट क्वेश्चंस है इसके ऊपर में रेगुलेशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है विल सॉल्व इट डोंट वरी अबाउट दैट राइट इफ यू प्रोसीड फर्दर हियर नाउ फर्स्ट कॉपी दिस वन इफ यू आर डन इट जस्ट लेट मी नो कॉपी कर दिया था जस्ट लेट मी नो So, by the way, ideal value कितना होना चाहिए regulation, input voltage, output voltage, इन दोनों में difference कितना होना चाहिए regulation कितना होना चाहिए कल बता दिया आपको ideal value कितना होना चाहिए ideal value of voltage regulation, ideal value of voltage regulation, what is that value? V1 dash minus V2, can someone tell me? या इंजील दैट्स करेक्ट इट्स जीरो जीरो होना चाहिए दैट्स करेक्ट या यस V1 डैश माइनस V2 इज काइंड ऑफ जीरो ओके फाइन सो आई एम जस्ट अरेंजिंग दिस सो अभी क्या है रेगुलेशन है ना आइडियल हमको कितना होना चाहिए रेगुलेशन जीरो होना चाहिए दैट्स करेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन कैन यू टेल मी इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन जीरो वोल्टेज रेगुलेशन ये फार्मूला देखो वीआर का फार्मूला देखो आर पर यूनिट कॉस फाइव प्लस आर माइनस एक्स पर यूनिट साइन फाइव So is it possible for you to obtain VR zero right now? Here mathematically, so something like x plus y, x plus r minus y.
सो एक्स प्लस वाई एक चीज है, एक्स माइनस वाई एक चीज है, मतलब आर कॉस फाई प्लस एक्स साइन फाई, आर कॉस फाई माइनस एक्स साइन फाई, दो चीज है। तो कौन सा वैल्यू हम रख दिया तो इसको वी आर जीरो हो जाएगा। मान लो आपने प्लस रख सकते या फिर माइनस रख सकते हैं ताकि आपका ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू शुड आई कीप इट हियर नाउ, प्लस आर माइनस, टेल मी नाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। सो व्हाट इज दैट मीनिंग, व्हेन आई से प्लस आर माइनस, व्हाट इज द लोड आई शुड कीप ऑन द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी साइड सच दैट योर परसेंटेज वी आर बिकम जीरो, आइडियल वैल्यू। कौन सा लोड रख दिया तो आपको बी आर जीरो होने का पॉसिबिलिटी हाई, कैन समवन टेल मी दैट? कैन समवन, विच वन? सी यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर नाउ, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, दिस इज वी आर मान लो प्लस आर माइनस वाई, एक्स प्लस वाई पॉसिबिलिटी जीरो हो सकता है, फिर एक्स माइनस वाई पॉसिबिलिटी जीरो हो सकता है। ये दोनों वेरिएबल है, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल हियर नाउ, ये वेरिएबल, व्हेन एक्स इक्वल टू वाई डेफिनेटली वी आर बिकम जीरो। सो व्हेन दैट विल बिकम, व्हेन वैल्यू इज माइनस, माइनस का मतलब क्या है मैंने बता दिया ऑलरेडी, प्लस इज फॉर लैगिंग लोड, माइनस इज फॉर लीडिंग लोड। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, माइनस अमित, दैट्स करेक्ट। सो मींस, सो टू बिकम वी आर जीरो, to become percentage VR zero, very important this is, to make percentage VR zero, what is the load? Load should be leading, load should be leading power factor nature, meaning kaun sa hai? Leading means RC load hai. So meaning that is, I can say here now percentage VR, which is equal to, you can say percentage R cos phi 2 minus percentage X sin phi 2, ye zero aa gaya. So which means that even per unit also you can take it, there is no harm in taking that per unit, because R per unit, percentage R difference ka only 100 se multiply kar diya. So ye zero hoga when load should be leading power factor. So my question is now, what is the power factor of the load? कौन सा power factor में आपका VR zero होगा? अभी ये क्या पता चला हमको? हमको पता चला कि अरे यार leading power factor में रख दिया तो zero हो जाएगा. लेकिन उसका magnitude क्या है? 0.8 PF leading, 0.7 PF leading और 0.65 leading या फिर 0.1 PF leading. Leading तो पता चल गया हमको. So इसलिए zero रख दिया मैंने. तो what will happen here now? Percentage R cos phi 2, which is equal to percentage X sin phi 2. So this becomes, you can make percentage actual values also, no problem. This becomes here now sin phi 2 by cos phi 2 is percentage R by percentage X. This is equal to R per unit by X per unit ratio है ना ये वाला, X per unit, otherwise this can be called as R02 by X02, तो ratios है ना, per unit में जब आपने per unit में कर रहे तो आपने divide कर सकते R02 by X02, this is the one. So your tan phi 2 is equal to R02 by X02. So what is the power factor here now? Power factor is cos phi 2. So what is phi here? Phi kya hoga? Phi 2, which is equal to tan inverse of R02 by X02. So your power factor will be cos of phi hai na wala, tan inverse of R02 by X02. This is the power factor. So the condition is here now. Condition for zero voltage regulation. Kya condition hai? Idhar humka condition kya hai? Tan phi 2 power factor should be R02 by X02 here. You got the point what I am speaking here now? So what is that? Phi is a power factor one. If you draw the impedance triangle, what do you mean impedance triangle? Let us see here now. So what is that I am trying to do here now to understand better
ये वाला डेफिनेटली R02I JX02I, ठीक है। इधर मैग्निट्यूड V1' है, इधर मैग्निट्यूड V2I, ठीक है। इसमें जाने वाला करंट I2I। मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इधर जितना वोल्टेज इधर आए उतना वोल्टेज इधर आना चाहिए, मीनिंग इधर कितना ड्रॉप होगा उतना वोल्टेज इधर इंप्रूव करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल इवर लोड इज से आर, मैं आई टोल्ड यू आरसी लोड हियर नाउ, आर दिस इज एक्ससी है ना, कैपेसिटेंस कैपेसिटर रिएक्टेंस हियर नाउ, दैट इज इफ यू राइट इट हियर नाउ आर माइनस जे बाय सी ओमेगा, आर माइनस जे बाय सी ओमेगा, आई विल मेक इट एज एक्ससी, नो इश्यूज, आर माइनस जे एक्ससी हियर नाउ। सो I want to draw the impedance triangle for this one. I know the tan phi cos phi value I can obtain here now. So tan phi 2 is R02 by X02 here now. So what is this R02 by X02 here now? Impedance triangle I'm drawing here now. To draw the impedance triangle of this R02, this is the one I am trying to draw. Please understand carefully. So what will happen here now? This is what I'm drawing. So I'm trying to obtain the relation between R02, X02 and this R and XER. I hope you understand my point here now. In dono mein ratio humko R0 to X02 pata hai, lekin R and XE, in dono ratios kaise hona chahiye? That's what I'm trying to obtain. R0 to X02. This is impedance angle theta 2. So what is happening here now? This is tan theta 2. Okay. So the impedance triangle is tan theta. Don't see, this is tan phi. Power factor angle here now. And this is tan theta 2. What is tan theta 2 here now? This is X02 by R02. Theta 2 is impedance angle. Don't get confused with the phi and theta. हमको मिला tan phi 2 is equal to R02 by X02. लेकिन tan theta 2 is X0 by R02. So how can these two kind of equal? So can I say here now cot theta 2? So tan phi 2 equal to cot theta 2. Can I say here now? So this can be written as, can I say X0 by R02 1 by tan phi 2, I can write it here now, which is equal to, I can say here, R by XE. Please understand this concept here now. Zero voltage regulation aane ke liye, the ratio is aana ki, X by R equal to R by XE. So you can get this from here now, phi here. So if you can make this scenario true, R02 by X02 is equal to XE by R, अगर आपने इसको equal कर दिया तो what will happen here now? VR becomes zero here now. Percentage VR becomes zero. लेकिन इसको हमने control नहीं कर सकते यार, R and X को control नहीं कर सकते, क्योंकि ये transformers आ रही, तो control किसको कर सकते हमने? Only to this I can make it here now. Only to this I can control this one. R and X को load को control कर सकते, control this one such that आपका ratio ऐसा हुआ तो अब में जीरो हो जाएगा। सो फॉर दिस यू कैन सी यू नो एंड दिस इज अ लीडिंग पावर फैक्टर। फॉर एग्जांपल दिस कैन बी समथिंग लाइक 0.9 लीडिंग, 0.95 लीडिंग। सो देन रिमेनिंग पार्ट्स विल बी 0.95 से आगे, मतलब 0.96 लीडिंग, 0.99 UPF एंड ऑल दोस आर काइंड ऑफ हैविंग ए पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। सो यू गॉट दिस पॉइंट राइट? I'm trying to make the voltage regulation zero. इसके लिए mathematical expression इधर है, so इधर minus रखना चाहिए. Minus कब आएगा? Minus आएगा जब आपका leading power factor होगा. I told you already, leading power factor. So expression कर दिया. So tan phi 2 equal to R02 by X02. लेकिन R02 by X02 is cot theta 2. In fact, cot theta 2 from here now. So what we obtained is tan phi 2 is equal to cot theta 2. So what is expression there here now? Theta plus phi 2, which is equal to 90. You can obtain that also. Basically, I get it tan theta t equal to cot phi 2.
tan theta t equal to cot phi 2. So which means that theta plus phi, this is another way of getting theta plus phi, which is equal to 90, another way of obtaining this one. To make sure that another way of obtaining the zero voltage regulation is phi plus theta is 90. Meaning, either मान लो आपको इधर 60 हुआ तो angle इधर 30 रखना चाहिए. 60 plus 30, so that 90. This is the same as what we have obtained here now. Both are same. Okay, please write down this point. To obtain, write down these points. To obtain zero voltage regulation, to obtain zero voltage regulation, transformer load should be leading. To obtain the zero voltage regulation, transformer load should be leading such that phi plus theta equal to 90, such that phi plus theta, this is the one, phi plus theta equal to 90. Where phi equal to load power factor angle. What is phi? This is the phi. Phi equal to load power factor angle. Theta equal to impedance angle. Impedance angle of equivalent circuit of transformer. Impedance angle of equivalent circuit of transformer. Okay, fine then. Let us solve a problem here now on regulation so that you'll understand what we are doing here now. We'll solve a problem. We'll appreciate this thing here now. Before going to solve a problem, we'll see the per unit resistance. What do you mean by per unit resistance here now? Then we'll solve. Just let me know if you copy it. So copy kar lo. So copy kiya to bata dena bas. I hope you understand this point. Ye wala point samajh mein aa gaya na aapko? So otherwise, shall I write it? What I do here, इधर से cot theta 2 लिख दो, ये वाला theta है, ये वाला phi है. cot theta 2 लिख दिया तो r 02 by x 02, ये r 02 by x 02 tan phi 2, मतलब which is equal to tan phi 2, ये वाला phi है, ये वाला theta है. रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं हमने? tan 90 minus phi. How can I write here now? tan 90 minus phi is a cot. So look at here now. This is what I am writing here now. tan 90 minus theta is equal to tan phi 2. So what is the, from here now, how can I obtain here now? 90 minus theta equal to phi 2. So, our phi 2 plus theta 2, which is equal to 90. Samajh mein aa gaya? This is the condition for two main secondary side. Otherwise, you can say phi plus theta also. No issues. So, I hope you understand this point. Condition for voltage regulation is either this, donum barabar hai, R by X equal to XE by R, or phi plus theta equal to 90. Agar aapne adjust kar sakte hai, sa, zero ho jayega. समझ में आ गया? Is that clear, guys? Just let me know if I need to erase this one. Okay, fine, Bhaskar. Yeah, good.
ओके कूल लेट अस मूव ऑन टू अदर वन देन We'll solve one problem, so you'll understand this clearly. So, problem one, a single phase transformer. (400/200). Connected with the load, power factor 0.8 PF lagging, at full load. Percentage. Resistance and percentage reactance, percentage resistance and percentage reactance of transformer is 4% and 6%. Respectively. Find the voltage regulation. First one, find the voltage regulation, percentage voltage regulation, you can say. Second, terminal voltage. Look at this. What is the diagram? 400/200 means equivalent circuit transformer. Let me draw the equivalent circuit here. See, one more thing I want to mention here now. Note, per unit resistance on primary is equal to the per unit resistance referred to the secondary. Both are same. What do you mean by this? So this is what I am saying here now. R per unit with respect to primary is equal to R per unit with respect to secondary. What do you mean by this? R per unit means resistance drop by primary mena I1 current I. Resistance referred to the primary values means R1 plus R2 dash, which is R01 E1, is equal to, with respect to secondary means secondary current I2. So resistance is here now. Secondary mein kya hoga? R2 plus R1 dash, which is R02. Upon E2. Ye dono same hai. What I have given is percentage resistances. That is the reason with respect to primary, with respect to secondary, dene ka jarurat nahi. Always the per unit resistance of a transformer, per unit reactance of a transformer, irrespective of the primary or secondary, they are equal. I mean, percentage or percentage X are not equal. Or on primary or on secondary. Or X on primary, X on secondary are equal. So anyway, so that's one point I would like to mention. Can you please note on this one, this point? Can you please mention this point? R per unit with respect to primary is equal to R per unit with respect to secondary. So no matter it's a secondary or primary side, but we always should take the secondary here now. Percentage VR, you know? So this is what here. I don't know what is the load here now. PF lagging, but I mean, so this is V1 dash, this is V2. And this one is R02 JX. Don't worry, 400/200, you know? Primary is 400, referred to secondary. What will happen here now? This is what they have given.
इधर 400 है, इधर 200 है, लेकिन हमको क्या चाहिए, इधर सेकेंडरी साइड में है ना, इधर का वोल्टेज चाहिए। दिस वी टू आई वॉन्ट, दिस वॉन्ट बी 200, डेफिनेटली रिड्यूसेस बिकॉज द ड्रॉप्स है ना इधर, सो आफ्टर इवन रेफरिंग टू दिस साइड, सो 400 रेफर टू सेकेंडरी विच बिकम्स अगेन 200, सो दिस इज 200. So now I use a formula. No, I mean, just for understanding, I have drawn this, but not necessary. I can directly write a formula. See the formula likh sakte here. So what is the formula here now? Formula kya hai then? Percentage VR, which is equal to percentage R cos phi 2, lagging hai na? Lagging power factor hai to plus likhna bas. Percentage X sin phi 2. That's all. So, कितना परसेंटेज होगा, परसेंटेज आर दिया है 4, पावर फैक्टर कितना है, दैट इज गिवन ऑलरेडी, कॉस फाइव टू इज 0.8, फाइव कितना होगा, कॉस इनवर्स ऑफ 0.8, 36.86, सो साइन फाइव भी चाहिए, साइन फाइव टू कितना होगा, साइन 36, दिस आर द स्टैंडर्ड वैल्यू, सो 0.6 वैल्यू, सो 4 × 0.8 cos phi value, percentage is 6, this is equal to 0.6. What is this percentage here now? So percentage VR, what is this value? 3.2, 3.6, 6.8 percentage. The regulation is percentage VR is 6.8% here now, voltage regulation. Do you understand what I am doing here now? Always, I mean, ये वाला draw करने का जरूरत नहीं आपको. Every time you need not draw this. ये draw कर दिया क्योंकि आपको ये explain करने के लिए. Primary ले लो, secondary ले लो. आप primary side में VR लिख रहे, secondary side में VR लिख रहे, फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन हमको इधर क्या चाहिए? Secondary side का voltage चाहिए. इसलिए तो हमने ये वाला equation लिया. समझ गए ना बात? सो ये वाला सर्क्यूट लिया, उसी हिसाब से हमने इक्वेशन वीआर का इक्वेशन लिख दिया. सो परसेंटेज ऑफ कॉस पाई एंड 6.8% टर्मिनल वोल्टेज चाहिए. टर्मिनल वोल्टेज कैसे आएगा? ये वाला फर्स्ट टाइप, सेकंड टर्मिनल वोल्टेज भी, सेकंड इज अ फार्मूला, नो इश्यूज. सो फार्मूला, व्हाट इज दैट वन? v1 - v2 / v1 - into 100, in fact this is into 100 is 0.68, into 100 is 6.8. so isme substitute kar aapne, so you just substitute the values. v1 dash ka value kitna hoga? v1 dash ka value 200 hai, so aapne substitute kar liya isme, so you can substitute 200 - v2 humko pata nahi, upon 200 into 100 of course 6.8. So what is the value here now? From here now, get me the value of V2. Please do this one. V2 का value कितना होगा? ये वैल्यू कैलकुलेट कर देना प्लीज. सो 200 - v2 / 200, अदरवाइज 100 हटाओ, सो 0.068 ले लो. तो v2 का वैल्यू, सो इट्स समथिंग, इट्स कमिंग अराउंड 2714. 200 - 14, दैट इज अराउंड 180 186. इट बी ऑब्टेनिंग समथिंग इन 186 पॉइंट और 187 वोल्ट्स है ना. कितना आ रहा है इसका वैल्यू? 99 इंजुल. सो नहीं नहीं, आप कुछ गलती किया होगा. नहीं, 200 - v2 / 200, और
You'll just see this one 200 minus V2 by 200. It's equal point. Let me show this here. Even in a 200 minus V2 which is equal to 200 into 0.068. Is that clear? So that is 200 minus V2, 6.8 into 2. So V2 kitna aayega? 200 minus ये वाला multiply 2 it's 13.6. So this is 186.4 volts. Is that clear? Yeah. Is that clear? So कहाँ गलती किया इंजुर? इंजुल देख लिया ना तो गलती कहाँ किया? या 186.4 दर्ज कर. ठीक है. या दैट्स हाउ वी विल कैलकुलेट द रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन एंड इवन सी सिंस इट इज लैगिंग प्लस रखा. अगर मान लो आपने लीडिंग पावर फैक्टर दिया, लीडिंग पावर फैक्टर दिया तो आप माइनस रखना चाहिए. डोंट फॉरगेट दैट. ठीक है. सो कंटिन्यूएशन टू इट सेम ट्रांसफार्मर को विच इज परसेंटेज आर 4x परसेंटेज x इज 6%. So what is the, okay, let me second question, another question for the same thing, same transformer. So kitna load dalna chahiye to make voltage regulation zero? How much the load or what is the power factor of the load that should be kept on the transformer to make the voltage regulation zero? Here definitely yaar regulation to zero nahi hua, 6.8% ho gaya. Isliye hamara voltage 200 hona chahiye lekin humko 186 volts aa gaya. तो मेरा क्वेश्चन एक ही, अरे आप कौन सा लोड डालना चाहिए इधर ताकि आपका वोल्टेज सेकेंडरी साइड का वोल्टेज सेम एज ए 200 वोल्ट्स होगा. दिस इज 200 वोल्ट्स आना चाहिए तो आप करना चाहिए क्या करना है इधर. तो आई टोल्ड यू ऑलरेडी यू शुड कीप लोड इज लीडिंग पावर फैक्टर. सो व्हाट शुड आई डू हियर नाउ? सो द क्वेश्चन, राइट ऑन अनदर क्वेश्चन हियर कंटिन्यूएशन टू इट. आई एम जस्ट अरेजिंग दिस पोर्शन बट परसेंटेज आर परसेंटेज एक्स आप वैसे रख देना प्लीज. थर्ड क्वेश्चन है कंटिन्यूएशन टू. व्हाट इज लोड पावर फैक्टर सच दैट वी आर इज जीरो? व्हाट इज द लोड पावर फैक्टर सच दैट वी आर इक्वल टू जीरो? कंडीशन क्या है? मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको. कंडीशन ये है कि आर बाय एक्स विच इज इक्वल टू राइट. So your X capacitance XE by, okay, XE by this R load का. So लेकिन load का power factor कैसे निकाल सकते हैं आपने? Load का power factor. Otherwise I told you already. So this is say phi 2, this is R XE here now. This is Z. You can take out this. Otherwise, also this is another way. Theta 2 plus phi 2 is equal to 90. Theta 2 plus phi 2 equal to 90. What is theta 2? Theta 2 कैसे obtain? Theta 2 कैसे आएगा? Theta 2 can be obtained from here. So impedance triangle में this is theta 2. This is the power factor angle. Don't get confused, please. Theta 2 here now. So this is R 0 to X 0 to. Otherwise, this is percentage R. This is percentage X. So from here, tan theta 2 is percentage X by percentage R. मैंने कितना दिया percentage X? I think 6 by 4.
सो व्हाट इज थीटा 2 हियर नाउ टेल मी थीटा 2 हियर थीटा 2 का वैल्यू कितना हो गया सो फ्रॉम देयर फाइ 2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा फाइ 2 व्हिच इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 2 समझ गए ना बात डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग जस्ट गेट द टैन इनवर्स ऑफ 6/4 एंगल कितना आ रहा है That's correct. Around 56. Injul, 56 hai na? Who told that? So somebody. Yeah, Injul. Yeah, 56. What about others? Sab log kar rahe hai na? Baaki log kya hai? Ye wala to bahut important wala hai. Regulation wala. Isliye to do problems kar lo. Iske upar. या छबी कांत साहू या 56.3 दैट्स करेक्ट सो 52 कितना होना चाहिए 90 माइनस 56.3 सो ये एंगल कितना है पावर फैक्टर चाहिए हमको व्हाट इज द पावर फैक्टर ये एंगल कितना आएगा 43.7 सो पावर फैक्टर इज लोड पावर फैक्टर 52 cos 43.7 How much is that? Cos 43 कितना है? Okay, yeah, that is 33. Yeah, fine. Yeah, that's correct. 33. That's correct. 33.7. Yeah, that's correct. Yeah, Injil, that's correct. Yeah, Chavi Khan Sahu, that's correct. That's 33.7. And what is that value? Cos 33. And that has to be leading. Yes. 0.83 leading. So 0.83 leading hua to upper regulation zero hoga yaar. 0.3 leading. So, बाकी क्या हो गया? So, you are saying 0.3 leading. 0.9 leading पे क्या होगा? 0.95 leading पे क्या होगा? UPF में क्या होगा? And then 0.8 lagging, 0.7 lagging, 0.1 lagging. ये सब जगह पे इसका regulation क्या हो जाएगा? Let me draw that graph here. So that, yeah, 0.83 leading. So that आपको समझ में आएगा. VR zero होगा leading power factor में first condition है second में क्या बोल रहा हूँ इधर तो all leading power factors may not give zero voltage regulation मतलब 0.83 में zero होगा 0.9 में नहीं है 0.95 में नहीं है UPF में नहीं है so let me show that here now how the VR voltage regulation is changing with respect to the power factors let me draw that curve here now you will appreciate the scenario Shall I erase kar de isko? The problem is done. Three questions we are done. Shall I erase? Yeah, if you have, I have unmuted. If you have any doubt, you can check with me. You can speak also. कुछ doubt है अभी तक? कोई doubt है तो पूछ सकते हैं अपने. Any doubt, guys? Okay. So let me draw that graph here now. This is percentage VR versus power factor. How this looks like.
So this is lagging power factor. Here UPF power factor. ये वाला leading है, lead power factor. इसका values होगा 1 होगा. This is 0.9 से मान लो, 0.8 मान लो, से 0.7 and say 0.5 and so 0.2 something like that lagging case में. इधर है ना, this is of 0.9, so this is 0.8, say 0.5 and 0.1 something like that. मैंने अभी सो ये वाला प्रॉब्लम ही देखो, जो भी प्रॉब्लम हमें क्या कर दिया वही प्रॉब्लम देखो. अभी क्या हो, रेगुलेशन कहा है, रेगुलेशन 0.83 लीडिंग में जीरो हो रहा है. 0.83 लीडिंग मतलब समवेयर हियर रेगुलेशन इज जीरो. दिस इज वी आर परसेंटेज वी आर, सो दिस इज पॉजिटिव वन, से 90%, 80, 70, ओके एंड से 20 and 0, and this is minus 10, minus 20, minus 30, and so and so. So percentage VR conclusions kya hai the? Ye wala VR positive hoga when for all first point type. Percentage VR is positive for all lagging loads. Let me show here now. So curve will be UPF may be VR hoga percentage VR. And at some point, see, ये वाला को 0.9 lagging, 0.8 lagging, और ज़्यादा हो रही, 0.7 और ज़्यादा हो रही, 0.5 और ज़्यादा. There is a point at which it becomes maximum also. There is a point at which it becomes a maximum also. That condition we'll discuss in the synchronous machine. मैंने सेम derivation synchronous machine में आएगा, so इसलिए तो मैं have left it for synchronous machine. Condition is theta equal to 5. So maximum मिल जाएगा. VR will be maximum here now. And now other side. 0.83 में जीरो हो गए, उसके बाद आप में पावर फैक्टर लीडिंग ज्यादा कर रहे हैं आपने. फॉर एग्जांपल इफ यू आर मेकिंग मोर, सो देन व्हाट विल हैपन हियर नाउ, दिस इज हाउ द सिनेरियो, वोल्टेज रेगुलेशन इज नेगेटिव, सो परसेंटेज वीआर इज पॉजिटिव फॉर ऑल लैग लोड्स, फॉर ऑल लैगिंग लोड्स. And percentage VR is negative and zero. Negative possible only for the leading loads. Is possible. I am writing possible, not for all leading loads. क्यों है? इधर देखो. Why I am saying like that? क्योंकि इधर देख लो आपने. ये वाला point है ना. This side. From this side, here zero हो गया VR, to this side, VR is positive. ये वाला point से आप right side लिया तो VR is negative. लेकिन from here to here, कौन सा power factor है? 0.83, 0.85, 0.9, 0.95 and 0.99, ये वाला leading power factor है. तो लीडिंग पावर फैक्टर में भी वीआर पॉजिटिव हो सकता है. देखा, परसेंटेज वीआर इज नेगेटिव इज पॉसिबल फॉर लीडिंग एंड जीरो, परसेंटेज वीआर इज जीरो फॉर लीडिंग पीएफ, नॉट फॉर ऑल लीडिंग पीएफ. आई टोल्ड यू ऑलरेडी, नॉट फॉर ऑल लीडिंग पीएफ. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग हियर नाउ? ऑल लैगिंग लोड में क्या होगा? VR पॉजिटिव होगा, क्योंकि परसेंटेज VR मैंने लिखा है इधर, परसेंटेज VR इज परसेंटेज x cos phi प्लस आर माइनस परसेंटेज x sin phi. तो इधर प्लस इज फॉर, मैंने बता दिया ऑलरेडी, लैगिंग लोड है. माइनस इज फॉर लीडिंग लोड है, मैंने बता दिया ऑलरेडी. UPF में क्या होगा? cos phi पावर फैक्टर UPF में, sin phi जीरो हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस में कुछ नहीं आएगा, इसलिए मैंने प्लस लैगिंग माइनस लीडिंग में बता दिया आपको. ठीक है, समझ में आ गया? अभी एनी डाउट सो फार?
वोल्टेज रेगुलेशन में। Any doubt so far in voltage regulation? Just let me know, otherwise we'll move on. Yeah, good, Injil. Perfect. Okay, Chibi comes. Good. So let us move on here. Now next topic is kind of equivalent circuit हमने draw कर दिया. Equivalent circuit के बाद हमने regulation के बारे में बात कर दिया. Regulation होने के बाद I want to find the equivalent circuit of transformer. For that I'll be doing some tests there. So what are the tests I'll perform on the transformer here? So first thing is tests on the transformer. So there are a few tests which we'll perform here now. Pehla test kya hai? Polarity test. Iska matlab kya hota hai? Polarity test. So polarity of your transformer. For example, you know the dot convention. Dot convention networks mein discuss kar diya. Networks ka subject mein. Look at here, this one. First thing you have to know the polarity of this. Normally kya hai? This is a dot, for example, this is a dot given, which means that ye wala dot plus hua to idhar plus aayega, plus aaye to plus aayega, minus aaye to minus aa jayega. That's what it means, the dot. How do you get to know that ye dono same polarity hai? We don't know. To know that this is the same polarity or not, we will do a polarity test. Say for example, iska voltage is E1, this is E2 voltage. So what I do here now, polarity test, I'll just short circuit this. And now, isko voltmeter connect karenge. Then what will happen here? Yeah, this is one case. This is say V1. Second case mein kya hoga? So dot convention क्या है? मैंने बता दिया dot इधर है, मान लो आपका dot इधर है, which means that plus is here, minus is here. Here dot means ये दोनों positive है, plus here, minus here. So E1 is to E2 ratio है, मान लो आपका E1 voltage है, E2 voltage है, मान लो. So polarity test perform के लिए जब अपने polarity test perform कर रहे, transformer को एक terminal को ऐसा short करना पड़ेगा. तो अभी क्या किया मैंने? इन दोनों को voltmeter लगा दिया. आपने वोल्टमीटर लगा दिया, तो अभी केवीएल डालो यार, इसका वोल्टेज क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस इज अ प्लस V1 हियर नाउ, वी जस्ट राइट द केवीएल, जस्ट आई एम जस्ट राइटिंग द केवीएल इन दिस लूप, सो माइनस V1 माइनस E1 प्लस E2 व्हिच इज इक्वल टू 0. तो V1 व्हिच इज इक्वल टू वोल्टमीटर रीडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट V1 व्हिच इज इक्वल टू E2 माइनस E1. So there is a difference of voltage is obtaining if the polarities are same polarities are connected here now. So plus and plus aa gaya. Ye wala dekh lo, maan lo ye wala V2 hai, plus idhar hai, minus idhar hai. So aap KVL dalo. I hope you understand this point. Aap KVL dalo. So you're entering at minus. So minus V2, you're entering at minus, minus E1, you're entering at minus, minus E2, which is equal to 0. So which means that your V2, which is equal to, of course, minus V2, which is equal to E1 plus V2. Or you can say positive magnitude, V2, which is equal to E1 plus E2. So okay, what I'm trying to say here now, this is the dissimilarity polarity. Polarity, do you know positive and negative, how do you know it? By doing a polarity test. Or you can connect a bulb also here. That way,
this is called additive polarity. Whatever we are obtaining is additive polarity. This is additive polarity. Dono connection is like the additive polarity. This is subtractive polarity. So you can obtain here now. I hope you understand this point here now. So this is how the क्यों करना यार पोलारिटी टेस्ट, ये करना कि ट्रांसफार्मर पता चलना कि टर्मिनल्स कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है. रादर आई कैन से इन दोनों इन चारों टर्मिनल में 1 2 3 4 चार टर्मिनल में इसमें दो टर्मिनल्स एक तरीके से होगा, बाकी दो दूसरा तरीके से होगा. हमको पता करना कि कौन सा इन चारों में कौन सा दो और ऑफ सेम नेचर वो पता करना है, इसलिए तो पोलारिटी टेस्ट करना है. सो ये करने के बाद हम ये वाला चीज पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर यूज करेगा. सो यू प्लीज मेंशन दिस पॉइंट, पोलारिटी टेस्ट. पोलारिटी टेस्ट इज परफॉर्म, मेंशन दिस पॉइंट, पोलारिटी टेस्ट इज परफॉर्म टू आइडेंटिफाई द पोलारिटीज ऑफ द टर्मिनल्स plus or minus, to identify the polarities of the terminals plus or minus. Or to identify or to identify similar nature polarity of terminals, similar nature, or to identify similar nature of polarities. Okay guys, yeah today I'll stop for the day. So tomorrow we'll continue. I have some work, I have to leave. So kal chalu karenge, kal kya uske baad to open circuit test, short circuit test wo karna hai, uske baad losses bhi discuss karna hai, right? So gate questions bhi karna hai. We'll continue tomorrow. I'll stop for the day. So I need to go somewhere. Is that clear, guys? Is that clear? Today's class is the most important one. We are quantity regression tomorrow discuss karenge. One of most important day. I hope you understand that. Okay, fine. Thank you, Vaskar. Yeah. Thank you, Chabikan Sahu. Yes. Yeah. Thank you. Thank you all. Yeah. So कल डिस्कस करेंगे ठीक है. या मंजुषा सिंह, थैंक्स, थैंक यू. प्लीज ट्राई टू अटेंड रेगुलरली क्लास, आई मीन सो दैट यू वोंट मिस एनीथिंग. एंजेल, थैंक यू. ओके देन, बाय बाय गाइस, आई एम लीविंग.